स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें कि ऑलरेडी फिजिक्स के टॉप 100 हम डिस्कस कर चुके हैं और केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लेक्चर की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब से डाउनलोड करें, वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन देयर इज डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये जो भी प्रोसेस होती है डेड ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करना पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये एबसेंस ऑफ एयर में होती है, ऑक्सीजन की एबसेंस में होती है। सेकेंड वन इज़ द ड्यूटेरियम इज ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का क्या है? ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप वो होते हैं जिसमें कि सेम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या फिर सेम एटॉमिक नंबर रहता है और डिफरेंट इसमें होता है न्यूट्रॉन या फिर मास नंबर। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर रहता है और डिफरेंट मास नंबर रहता है, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आइसोटोप रहता है उसे कहते हैं हम प्रोटियम, सेकेंड है उसे कहते हैं हम ड्यूटेरियम, थर्ड वन इज जिसे कहते हैं हम ट्रिटियम। ट्रिटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। अदर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कार्बन के C12, C13, C14 ये कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। पोलोनियम जिसकी एटॉमिक नंबर 84 होता हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप। पोलोनियम के सबसे ज़्यादा आइसोटोप होते हैं। सेकेंड ही जो डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज में आइसोबार के बारे में हम देखेंगे। आइसोबार ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें कि सेम मास नंबर रहता है और डिफरेंट इसमें एटॉमिक नंबर रहता है। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं सल्फर एटॉमिक नंबर जिसका 14 होता है और मास नंबर 40 रहता है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका भी मास नंबर 40 रहता है। आर्गन की बात करें 18 एटॉमिक नंबर 40, इसका भी मास नंबर रहता है। आइसोबार होते हैं जिसका सेम एटॉमिक मास और डिफरेंट इनमें एटॉमिक नंबर रहता है, इक्वल और सेम वेट होता है इनमें। सेकेंड इसमें बात करते हैं आर्टिफिशियल आइसोबार्स की। आर्टिफिशियल आइसोबार्स आर ऑब्टेन बाय द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो आर्टिफिशियल जो आइसोबार ऑब्टेन होते हैं एमिशन ऑफ ए बीटा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और तीसरा इसमें आता है आइसोटोन। आइसोटोन दीज आर एटम्स, एटम ऑफ डिफरेंट होते हैं केमिकली हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोन में न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहता है बट इसमें जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट रहते हैं, इसको कहते हैं हम आइसोटोन। ये हमने आइसोटोप, आइसो बार और आइसोटोन के बारे में देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा कि द वेट ऑफ आयरन इज व्हेन इट इज़ अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। कि आयरन का जब वेट कितना होगा या फिर घटेगा या बढ़ेगा जब ये रस्ट या फिर जब इसमें जंग लगता है, ये वेट इसका इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? व्हेन आयरन और एनी अदर मेटल ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर कंबाइन विद द आयरन। जो ऑक्सीजन एयर से आती है वो कंबाइन करती है आयरन के साथ टू मेक आयरन ऑक्साइड, ये उसके बाद आयरन ऑक्साइड बना देती है और इसको हम रस्ट कहते हैं। सो वेट ऑफ द वार इंक्रीजिज ड्यू टू द इंक्रीज वेट ऑफ ऑक्सीजन विच हैज़ कंबाइंड विद द आयरन। इसका रहेगा जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वेट भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, एफिशिएंसी ऑफ कैटालिस्ट डिपेंड ऑन इट्स। एफिशिएंसी जो कैटालिस्ट की होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री बैलेंसेस पे। बात कैटालिस्ट की करते हैं, कैटालिस्ट होते हैं कि सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते या घटाते हैं एंड देमसेल्फ रिमेन केमिकली अनचेंज्ड। रिएक्शन को ये घटाएंगे और बढ़ाएंगे और खुद ये हमेशा रहते हैं अनचेंज्ड, मतलब केमिकली कभी नहीं बदलते हैं, अपनी स्थिति को नहीं बदलते हैं एंड केमिकली और क्वांटिटेटिवली ये अनचेंज्ड रहते हैं।
आफ्टर द रिएक्शन आर नोन एज कैटलिस्ट एंड द फिनोमिनन इज नोन एज कैटालिसिस। ये थी कैटलिस्ट के बारे में, जो कि एफिशिएंसी जो कैटलिस्ट की डिपेंड रहती है नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज पे। क्वेश्चन नंबर 36, एग शेल इज मेड अप ऑफ, जो एग शेल होती है अपने अंडे की जो शेल होती है बाहर की, वो मेड होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3, याद रखना आपने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि विच विटामिन्स आर फैट सोलेबल। आपको जब आपने विटामिन के बारे में पढ़ा होगा तो विटामिन टू टाइप के होते हैं, एक होता है फैट और लिपिड सोलेबल, दूसरे होते हैं वाटर सोलेबल। फैट सोलेबल जो होते हैं विटामिन ए डी ई और के, और जो वाटर सोलेबल होते हैं वो होते हैं आपके पास विटामिन वी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनोल, जिसकी कमी से जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है ये इसकी कमी से होता है। सेकंड होता है विटामिन डी, विटामिन डी का जो केमिकल नेम रहता है ये होता है कैल्सीफिरोल, विटामिन डी केमिकल नेम कैल्सीफिरोल, और इसकी कमी से जो रिकेट्स होती है या फिर बोन सॉफ्टनिंग बच्चों में होती है, और एडल्ट की बात करें तो ओस्टियोमेलेसिया ये अडल्ट में रहती है। विटामिन डी की कमी से बोन सॉफ्टनिंग की इस तरह की डिजीज रहती है। इसका जो बेस्ट सोर्स होता है आपके पास फिश लिवर ऑयल और लाइट सनलाइट एट्सेट्रा। थर्ड बात करते हैं हम विटामिन ए की, ई की, विटामिन ई का जो केमिकल नेम रहता है टोकोफिरोल, इसकी कमी से आप डिस्ट्रक्शन ऑफ जो आपके रेड ब्लड कॉर्पसल्स या RBCs होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होने का खतरा रहता है। इसके जो बेस्ट सोर्स रहता है लीफी वेजिटेबल और ग्रेन्स वेजिटेबल ऑयल्स एक्सेट्रा। और फोर्थ जो फैट सोलेबल या लिपिड सोलेबल विटामिन है वो है विटामिन के, जिसको केमिकली इसको कहते हैं फाइलोक्यूनिन। ये होता है इसकी कमी से आप ये मैक्सिमम वर्क करता है ब्लड क्लॉटिंग में, अगर विटामिन के की कमी होगी तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं वाटर सोलेबल की, वाटर सोलेबल में विटामिन वी कॉम्प्लेक्स उसमें फर्स्ट, विटामिन V1, B1 को हम थायमिन भी कहते हैं, थायमिन इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है। सेकंड विटामिन B2 जिसको हम रिवोफ्लेविन कहते हैं केमिकली नेम, इसकी वजह से जो आई होती है हमारी इन्फ्लेमेशन लिप सोर्स। थर्ड वन विटामिन V3 जो होता है उसको कहते हैं हम पेंटोथोनिक एसिड, ये इससे जो इसकी कमी से एबनॉर्मल एड्रेनल फंक्शन, जो एड्रेनल जो ग्लैंड हमारी वो फंक्शन एबनॉर्मली करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट वन इसमें विटामिन वी सिक्स का केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से स्किन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर इस तरह का होता है। विटामिन B5 की बात करें तो इसे कहते हैं नाइसिन, इसकी कमी से प्लेगेरा, और विटामिन V9 इसको कहते हैं फोलासिन, इसकी कमी से भी एनीमिया एट्सेट्रा रहता है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन B7, इसे केमिकली इसके बायोटीन कहते हैं, इसकी कमी से स्केली और इची स्किन हो जाती है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स रहती है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन B12 की, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, इसको कहते हैं हम साइनोकोबालामीन। उससे पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, वो विटामिन B12 है, इसको कहते हैं हम साइनोकोबालामीन, इसकी कमी से पेरेनिशियस जो एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। उसके बाद जो सेकंड वाटर सोलेबल विटामिन है वो है एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका जो मेजर सोर्स है सिट्रस फ्रूट टोमेटोज और पेपर्स में। ये थे आपके पास विटामिन्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया लिपिड सोलेबल और वाटर सोलेबल। लिपिड सोलेबल या फिर फैट सोलेबल विटामिन आपके पास विटामिन ए डी ई और के, और वाटर सोलेबल की बात करें तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें V1 V2 V3 V6 V5 B9 B7 B12 और विटामिन सी। सो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथिसाइज इन अ लैब एंड इट वॉज डन बाय होम। आपने बताना है कि कौन सा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको कि फर्स्ट टाइम लैब में बनाया गया था, और किसके द्वारा इसको बनाया गया था। उसका नाम था यूरिया, यूरिया फर्स्ट कंपाउंड है
जिसको लैब में बनाया गया था बाय फ्रेडरिक कोहलर को। इसका जो फॉर्मूला है H2NCOH2N, या आपने इसको याद रखना है, यूरिया फर्स्ट कंपाउंड था जिसको कि लैब में बनाया गया था बाय फ्रेडरिक कोहलर के द्वारा। नेक्स्ट वन इसमें डिस्कस करेंगे, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, जो फ्यूज वायर के लिए यूज करते हैं हम लेड और टिन। क्वेश्चन नंबर 40 इज यूज टू कोट गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसमें जो आपके पास अगर आयरन में जंग लग जाता है उसमें जो कलर कोट कर कलर या फिर कोटिंग की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन, उसमें जिंक का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में रहता है। गैल्वेनाइजेशन होती है इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोएक्टिव जिंक कोट टू आयरन और स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग। इसको जंग लगाने से बचने के लिए हम इसमें जिंक की कोट करते हैं, तो गैल्वेनाइज आयरन। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया कि बीच गैस आर यूज्ड बाय सी डाइवर्स फॉर द यूजिंग फॉर अंडर वाटर ब्रीदिंग। अगर जो सी डाइवर्स होते हैं हमारे पास पानी के अंदर ब्रीद सांस लेने के लिए, वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैस को। क्वेश्चन नंबर 48 गैसेस आर हेल्पफुल फॉर राइपनिंग ऑफ और ऑफ फ्रूट्स। जो आपके पास आर्टिफिशियली रूप से आपने जो फलों को आपने पकाना है उसके लिए गैसेस का यूज़ करते हैं हम इथाइलिन और एसिटिलिन को, आपने याद रखना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 43 द फाउंड इन एन ओर इज नोन एज गैंग। जो एक गैंग होती है द कमर्शियली वैल्यूलेस मटेरियल इन विच ओर, ओर में जो वैल्यूलेस मटेरियल या फिर इम्प्योरिटी फाउंड होती है उन्हें कहते हैं हम गैंग। क्वेश्चन नंबर 44 आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसकी ओर से जिसका नाम है हेमेटाइट। और अदर जो ओर की बात करें आयरन की उसमें हम हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिड्रिट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, ये अदर जो ओर हैं आयरन के इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 45 केरोसिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ। केरोसिन के बारे में आपने बताना है कि केरोसिन मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, किसका, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। केरोसिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं पैराफिन और पैराफिन ऑयल। केरोसिन को ही हम कहते हैं पैराफिन और पैराफिन ऑयल, जिसको कि ऑब्टेन प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम से, जिसका यूज़ होता है फ्यूल और दी फ्यूल कंपोनेंट ऑफ दी जेट इंजन में, जो फ्यूल का काम करता है केरोसिन। ये भी आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जेट इंजन में जो फ्यूल यूज़ होता है वो केरोसिन होता है, एंड एज अ सॉल्वेंट फॉर ग्रीसेस एंड इंसेक्टिसाइड्स। जो डिस्कवरी की बात करें केरोसिन की, इसकी डिस्कवरी की थी कैनेडियन फिजिशियन थे आरवहम जेनिस ने। ये थे आपको केरोसिन के बारे में, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 46 विच एलिमेंट इज यूज टू मेकिंग लेड पेंसिल। आपने बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो लेड पेंसिल बनाने के लिए प्रयोग होता है, उसमें ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 47 द लाइटेस्ट मेटल इज, लाइटेस्ट मेटल सबसे हल्की जो धातु होती है लिथियम। बात अगर हैवीएस्ट की बात करें तो इसमें हैवीएस्ट पाई जाती है बिस्मथ। क्वेश्चन नंबर 48 इसमें पूछा गया है इज द मेन ओर ऑफ मरकरी। मरकरी का आपने ओर बताना है जो सिनेवार, सिनेवार ओर होता है मरकरी का। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे विच मेटल इज फाउंड इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ की जो क्रस्ट पे होता है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वन माइन एक्सप्लोजन आर मोस्टली कॉज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एयर एंड। जो माइन एक्सप्लोजन होता है वो जो इसमें मिक्स होता है एयर और मीथेन के लिए। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द कंपाउंड यूज्ड टू इन नेल पॉलिश रिमूवर। जो नेल पॉलिश होता है उनको निकालने के लिए हम यूज करते हैं एसीटोन को। 52 नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डिराइव फ्रॉम। नेचुरल रबर जो है वो पॉलीमर डिराइव होता है आइसोप्रेन से। आइसोप्रेन की बात करें तो 2-methyl-1,3-butadiene, ये आइसोप्रेन का फॉर्मूला रहता है। क्वेश्चन नंबर 53 द कोटिंग ऑन नॉन स्टिक कुकवेयर इज ऑफ।
जो आपके पास बर्तन में जो ब्लैक कलर की कोटिंग लगी होती है वो होते हैं नॉन स्टिकी जो कोटिंग होती है उसे कहते हैं हम टेफलॉन या फिर पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन PTFE। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें द न्यूक्लियर फ्यूज़न ऑन दी सन सरफेस रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ एटम। जो सन की सरफेस में जो न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो रिएक्शन चलती है वो फॉर्म करती है हीलियम, हीलियम उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन जिसमें पूछा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओनली सॉल्युबल इन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं ओनली नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेंट वो होते हैं कंटेन बॉन्ड्स बिटवीन एटम विद सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीसीज होती है सच एज कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये फिर बॉन्ड उनके साथ डायरेक्टली बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हम नॉन पोलर सब्सटेंस या सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 56 इज नॉन एज फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आयरन पाइराइट को, Fe(S2) आयरन पाइराइट को फूल्स गोल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 इसमें पूछा गया है इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस हैपन, जो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बात रिडक्शन प्रोसेस की करें तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, इसमें लॉस होता है आपका ऑक्सीजन का, दिस इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। नंबर 58 इसमें पूछा है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर, जो ऑक्साइड होते हैं मेटल्स के होते हैं एल्केलाइन, आपके पास वैल्यू होती है पीएच में जिनकी वैल्यू 7 से कम रहती है उसे कहते हैं हम एसिडिक, जिनकी वैल्यू ज़्यादा रहती है उन्हें कहते हैं हम बेसिक और एल्केलाइन। क्वेश्चन नंबर 59 59 पूछा है कि ओजोन इज डैश इन नेचर, ओजोन है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपोजिट टू अपोजिट होती है इससे, या फिर कॉजिंग ये रिपल्सिव फोर्स कॉज करते हैं। दूसरी होती है जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, जो हमारे पास फोर्स होती है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दोनों ओर अट्रैक्टिव होती है, ओजोन O3। क्वेश्चन नंबर 60 द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर इज दैट ऑफ, जो केमिकल कंपोजिशन पेपर होती है उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 61 पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पैराफिन वैक्स होता है इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम से ऑब्टेन किया जाता है बाय डी वैक्सिंग लाइट लुब्रिकेटिंग ऑयल स्टोर्स, इट इज़ यूज टू, ये यूज़ होता है आपके कैंडल वैक्स में, पेपर में, पॉलिशेज में, कॉस्मेटिक एंड इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर्स में, ये है पैराफिन वैक्सीज। अब बात करते हैं दूसरा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, वो होते हैं जो कि ओनली सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं कार्बन एटम के बीच में, दे आर सिंपलेस्ट क्लास ऑफ द हाइड्रोकार्बन, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड बिकॉज ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू एज हाइड्रोजन एटम एज पॉसिबल, ये होते हैं आपके पास पैराफिन वैक्स, होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्वेश्चन नंबर 62 इन विच टाइप ऑफ रॉक्स इज पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल फाउंड, कि जो चट्टानों का वह कौन सा रूप होता है या फिर कौन सी चट्टानें होती है जिसमें जीवाश्म ईंधन पाया जाता है, वो होती है आपके सेडिमेंटरी रॉक्स, रॉक्स 3 टाइप की होती है, थर्ड टाइप जो उसमें सेडिमेंटरी इसमें जीवाश्म ईंधन या आपके फॉसिल फ्यूल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 इज आल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड कहते हैं हम प्लेटिनम को। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होता है रॉट आयरन, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 विच ओर इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट रेडियम, अब कौन सा ओर यूज किया जाता है रेडियम को एक्सट्रैक्ट या फिर निकालने के लिए, इसके लिए यूज़ होता है पिच ब्लेड, पिच ब्लेड ब्लेंड की अगर बात करें इज अ रेडियो एक्टिव यूरेनियम रिच मिनरल ओर एंड मिनरल ओर इसमें रिच होते हैं, ये एक रेडियो एक्टिव यूरेनियम का एक पार्ट है, जिसमें कि हम बात करें पिच ब्लेंड की अ फॉर्म ऑफ मिनरल यूरेनाइट अकरिंग इन ब्राउन और ब्लैक मासिस एंड कंटेनिंग ओर ऑफ यूरेनियम रेडियम,
इसमें जो थ्री केमिकल एलिमेंट्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पीच प्लेट, तीन केमिकल एलिमेंट थे जो पहले इससे जो पीच प्लेट से निकाले गए थे, जिसमें कि फर्स्ट था यूरेनियम, यूरेनियम 92 जिसकी एटॉमिक नंबर होता है, उसके बाद सेकंड पोलोनियम इसका 94 होता है, थर्ड जो इसमें था रेडियम, रेडियम एक्सट्रैक्ट होता है पीच प्लेट से। इसको जो डिस्कवर किया था फ्रेंच साइंटिस्ट थे पेरी एंड मैरी क्यूरी, इन्होंने 1898 में इस पर वर्क किया था, तो पीच प्लेट से इन्होंने रेडियम की डिस्कवरी की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर की बात की है यहाँ पर, सोल्डर होता है एलॉय टीन और लेड का। अब इसमें याद करने की बात है कि एलॉय क्या होते हैं, एलॉय होते हैं, एंड एलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल या फिर मेटल कंबाइंड विद वन और मोर एलिमेंट, उन्हें कहते हैं हम एलॉय। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं जैसे कंबाइनिंग द मेटल एलिमेंट गोल्ड को हम कंबाइन करते हैं कॉपर के साथ, ये आगे बनाता है रेड गोल्ड। सेकेंड गोल्ड को हम सिल्वर के साथ अगर मिक्स करते हैं तो इससे बनता है वाइट गोल्ड, अगर सिल्वर को कॉपर के साथ तो स्टेरिंग सिल्वर। ये थे एलॉय के बारे में। क्वेश्चन 66 तक आज हमने डिस्कस किया, बाकी इसके आगे जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।